इंद्रायण के फल की इतनी विशेषता है, अगर मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं तो कम से कम 4 घंटे की वीडियो बने। इंद्रायण में इतने गुण हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं विक्की पंसारी कनीना। दोस्तों, पशुपालन व्यवसाय किसानों की आय का मुख्य साधन है, लेकिन दिन पे दिन किसानों का पशुपालन व्यवसाय से मोह भंग हो रहा है, जिसका सीधा सा एक कारण है कि हमारे पशुओं में बीमारियाँ बहुत आती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से काम करें तो मात्र एक रुपये में हम अपने पशुओं की पेट संबंधी बीमारी को जीवन भर के लिए, मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए, जब तक हम पशुपालन व्यवसाय करेंगे, हमेशा के लिए 1 रुपये में अपने पशुओं की पेट की सभी बीमारियां दूर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आगे मई का जो महीना आएगा ना, मई के महीने के अंदर आपको पंसारी की दुकान पर जाना है और वहाँ से 1 रुपये के इंद्रायण का फल ले लेना है। लगभग 1 रुपये का एक फल आपको मिल जाएगा। इंद्रायण का फल लेके आप उसके अंदर से बीज निकाल लें। इंद्रायण के फल कौन से होते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको करना क्या है, इनके बीज निकाल के आपके आसपास कोई भी खाली भूमि हो, जहाँ पे मिट्टी हो, अगर बालू मिट्टी हो तो दी बेस्ट, बहुत अच्छा है, उसमें इन बीजों का छिड़काव कर दीजिए। लगभग 6 महीने के बाद आपके पास इतने इंद्रायण के फल हो जाएंगे कि आप, आपके पशुओं की कोई भी बीमारी हो पेट संबंधी, उसमें आप इनका उपयोग कीजिए। आपके पशु अच्छे से खाना खाएंगे, खाना खा के अच्छे से डाइजेस्ट होगा, पेट में कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, बाई, बादी, बदहजमी, पशु की आप मान के चलिए पेट की कोई भी बीमारी नहीं रहनी, उनका लीवर इतना एक्टिव हो जाएगा कि आप अपने पशु को जो भी चारा खिलाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और जब आपके पशु को चारा अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपके पशुओं की दूध की जो कैपेसिटी है, दूध की मात्रा भी बढ़ेगी। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जड़ी बूटियाँ खिलाने के बाद जो भी दूध पशु देता है, उस दूध में जड़ी बूटियों की शक्ति आ जाती है। हम भी वो दूध पिएंगे तो हम भी हमारी काया को निरोग रख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी गाय माता को जो इंद्रायण के फल खिलाता हूँ, किस तरह से आपको खिलाने हैं आप उस तरह से खिला सकते हैं। ये देखिए, आप मेरे हाथ में जो ये देख रहे हैं इंद्रायण के फल, हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, कहीं गरमुंडा कह देते हैं, कहीं इंद्रायण कह देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम है इंद्रायण। आप पंसारी की दुकान पे जाके इंद्रायण ही मांगना है। इन फलों को जब आपके आसपास ये फल हो जाएं, इनको आप लीजिए और इनको बीच में से काट के आप छाया में सुखा के रख दीजिए। ये फल कभी ख़राब नहीं होने, आप इनका इस्तेमाल अपने पशुओं पे आराम से कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पशु इनको कितने चाव से खाते हैं। देखा आपने, इंद्रायण के फल की इतनी विशेषता है, अगर मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताऊं तो कम से कम 4 घंटे की वीडियो बने। इंद्रायण में इतने गुण हैं, लेकिन आप शॉर्टकट में समझिए कि इंद्रायण के फल खिलाने के बाद आपके पशुओं के शरीर में पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होनी। जैसे हमारे को डॉक्टर बोलते हैं ना कि इंसान को एक एप्पल सेव रोज खाना चाहिए, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने पशुओं को लगभग 1 से 2 इंद्रायण रोज खिलाइए, आपके पशुओं के पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी किसान भाइयों को पता लगे कि ये जो मौसम फिलहाल चल रहा है, इस मौसम में इंद्रायण की खेती भी कर सकते हैं। अगर आप इंद्रायण की खेती करना चाहें तो दी बेस्ट है, क्योंकि इंद्रायण की मांग देश भर में बहुत है। बड़ी बड़ी जो फार्मेसी कंपनी है उनमें इंद्रायण का उपयोग बहुत होता है, तो अगर आप इसकी खेती भी करना चाहें तो आप इसकी खेती भी कर सकते हैं। इंद्रायण के फल बड़ी आसानी से बाज़ार में आपके बिक जाएंगे। मैं आपको मेरी जो फार्मेसी कंपनी है उसमें दिखाऊंगा कि इंद्रायण के फल का हमारे पास कितना स्टॉक है, क्योंकि इंद्रायण के फल से ही जो मैं पशुरत्न फाकी बनाता हूँ, जिसका आप उपयोग करते हैं, उसके अंदर भी मैं इंद्रायण के फल डालता हूँ, क्योंकि इंद्रायण के फल आपके पशुओं के लिए बहुत अच्छे हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस मौसम में सभी किसान भाई, ज़्यादा खुश नहीं करना, लगभग 1-2 रुपये के गरमुंडे लेके आने हैं और उनके बीज निकाल के मैं आपको उनके बीज दिखाता हूँ किस तरह के बीज होते हैं। इसको फोड़ेंगे जब, इसके अंदर इस तरह के बीज निकलेंगे।
आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो इंद्रायण के बीज है। कहीं भी आसपास इन बीजों को आप लगा दीजिए।